एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, इट्स अ टिकट टू अ हैप्पी लाइफ। बट इन स्ट्रगल्स के लिए मैं कोई प्रिपेयर नहीं करता है, इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी 5 साल की जर्नी, जहाँ आपको पता चलेगा कितना मुश्किल होता है अपने सपनों को पूरा करना और एक टिकट पाना हैप्पी लाइफ का। सो कहानी शुरू होती है 2020 में, एक्चुअली थोड़ा और पीछे चलते हैं 2017 में, जब मैं एक Tier 3 कॉलेज ज्वाइन करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। मेरा कोर्स था BSc कंप्यूटर साइंस और मेरे को लगा था यहाँ आके मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा। बट मजे की बात पता है क्या था, वहाँ किसी को पता ही नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बना जाता है। तो मैं उस कोर्स को लेता हूँ, फिर 1 साल बाद मेरा इंटरेस्ट आता है मोबाइल ऐप्स में। मेरा मन करता है यार अब तो मुझे मोबाइल ऐप डेवलपर भी बनना है, कुछ भी हो जाए। बट स्ट्रगल पता क्या थी, वहाँ पे मेरे पास लैपटॉप ही नहीं था। लैपटॉप नहीं था और आपको पता होगा एंड्रॉयड स्टूडियो कितनी ज़्यादा रैम लेता है, कितना बढ़िया सिस्टम चाहिए उसको रन करने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। अब चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, थोड़ा और टाइम बीतता है, थोड़े 6 महीने और हो जाते हैं, फिर 6 महीने बाद एक और नया सब्जेक्ट आता है वेब डेवलपमेंट। मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, अब मैं सोचता हूँ यार अब तो मैं वेब डेवलपमेंट नहीं जाऊँगा। बट फिर से वही, आई डिडंट हैव द लैपटॉप, सो मैं क्या करता, आइडिया ड्रॉप करने के अलावा मेरे पास कोई चांस था ही नहीं। बट यहाँ पे एक होप आ जाती है, मुझे पता चला कि कॉलेज वाले लैपटॉप दे रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखता हूँ, लैपटॉप लेता हूँ। काफ़ी पुराना लैपटॉप था पर काफ़ी अच्छा था वेब डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पे वेब डेवलपमेंट करता हूँ पूरे 1.5 साल तक, मतलब 1.5 ईयर तक मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, प्रोजेक्ट बनाता हूँ, सीखता हूँ, खुद से सब कुछ करता हूँ, और फिर मैं इसके लिए रेडी हो जाता हूँ वेब डेवलपर बनने के लिए। अब आते 2020 में, जब आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। सब सही चल रहा था, कॉलेज से पहले मुझे जॉब मिल गई, मेरा ड्रीम पूरा हो गया, ऊपर से Tier 3 कॉलेज में होने का दुख भी नहीं हुआ। बट अभी भी वो टिकट नहीं मिला जो हैप्पी लाइफ का टिकट होता है, मुझे लगा था जॉब पाते ही वो मिल जाएगा, बट नहीं मिला। शायद इसलिए क्योंकि मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा कम थी, तो मुझे लगा कि शायद मुझे सैलरी बढ़ानी चाहिए। तो मैंने काफ़ी सोचा, मैंने सोचा क्या मैं जॉब छोड़ दूँ क्योंकि सैलरी बहुत कम है, फिर मैंने सोचा क्या मैं जॉब चेंज कर लूँ पर मेरा तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, फिर लास्ट में मैंने सोचा क्या जो चल रहा है वैसे ही चलने दो। और ये मेरा बेस्ट डिसीजन था। अगर आप बोलोगे करियर का मेरा आज तक का बेस्ट डिसीजन क्या था, वो यही था, जो चल रहा है चलने दो। अब मैंने ऐसा क्यों बोला वो आपको लास्ट में पता चलेगा, लास्ट तक आते आते सारी डोर्स आपस में मिल जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसे क्यों बोला, ये मेरा बेस्ट डिसीजन क्यों था। अब 1 साल बाद मैं फिर जॉब चेंज कर देता हूँ, अब मेरी सैलरी बढ़ जाती है, सैलरी बढ़ गई थी तो ऑब्वियसली मेरी खुशी भी बढ़नी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर से मुझे वो टिकट नहीं मिला, आखिर ये हैप्पी लाइफ का टिकट मिलता कैसे है। फिर मैं ये सोचता हूँ, मैं YouTube पे जाता हूँ, फिर एक चैनल बहुत पॉपुलर था उस टाइम, लव बब्बर करके, उसका मैं व्लॉग देखता हूँ। उसमें मेरे को पता चलता है यार अमेजोन का कैफेटेरिया कितना गजब है, क्या मस्त है। तो मैं उसको अपने भाई को दिखाता हूँ कि देखो क्या गजब का कैफेटेरिया है अमेजोन का। फिर वो मेरे को बोलता है कि जब तू क्रैक कर लेगा तब आना। बस फिर तो मेरा काफ़ी मन लग जाता है, मुझे लगता है यार अमेजोन में क्या मस्त कैफेटेरिया है, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ खाऊंगा, वहाँ पीऊँगा, तो ये सब करूँगा। और मेरा शुरू से ही सपना था अमेजोन में जाने का, जब मैं कॉलेज टाइम में था तब भी था, बट पता नहीं था कि कैसे जाऊँगा। तो उस टाइम YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल आ चुके थे, तो थैंक्स टू लव बब्बर ऑल्सो कि उन्होंने बताया कि DSC करके कुछ होता है। मुझे पता नहीं था ना DSC के बारे में, अभी पता चला था कि उसकी जब वीडियो देखी। हाँ, तो मैं बुक खरीदता हूँ डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी, पूरा नाम मेरे को याद नहीं है, आपको बुक दिख जाएगी। तो इसके बाद मैं करता हूँ क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू बुक, उसको भी पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। अब ये तो देखो इनिशियल स्टेप थे, और मुझे एक और स्टेप आगे बढ़ना था क्योंकि मैं था फ्रंट इंजीनियर और मुझे एक्सपीरियंस के बेस पे मुझे जॉब लेनी थी, तो ऑब्वियसली मुझे फ्रंट एंड की भी स्किल्स आनी चाहिए थी। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एक ब्रह्मास्त्र मिलता है UDontKnow.js करके, मैं उसको पूरी पढ़ लेता हूँ। अगर अभी मेरे पास बुक होती तो मैं आपको दिखा देता, पर अभी बुक है नहीं मेरे पास, तो क्या ही कर सकते हैं। तो चलो वीडियो पर वापस आते हैं। हाँ, सो वहाँ पे मैं उसको पूरा कर लेता हूँ। अब मैं हर दिन लीड कोड भी करता हूँ, लीड कोड में DSA क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर देता हूँ, तो सब कुछ हो जाता है। अब ये तो सिर्फ एक स्टेप थी तैयारी का, बट इंटरव्यू तक पहुँचू कैसे। तो लकीली एक दिन रिक्रूटर का मैसेज आता है, खुद से वो रीच आउट करते हैं, मैं अप्लाई करता हूँ, सेलेक्ट हो जाता हूँ, सब कुछ सही हो जाता है। अब मेरी जो 2020 में सैलरी थी वो 2022 तक आते 25x हो चुकी थी, तो काफ़ी ज़्यादा सैलरी हो चुकी थी। अब मुझे लगा यार फाइनली मेरे को टिकट मिलेगा एक खुशी भरी लाइफ का, फाइनली मैं खुश हो जाऊँगा, बट ऐसा नहीं हुआ। आप सोचोगे यार कितना बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, इतनी ज़्यादा सैलरी बढ़ गई, इतना सब कुछ हो गया और फिर भी ये खुश क्यों नहीं हुआ, आपको पता चलेगा कुछ ही देर में। तो आज का मेरा यही मेन मोटिव था आपको बताने का कि आखिर कैसे पाया जाए हैप्पी लाइफ का टिकट। अमेजोन के बाद अब मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी सैलरी है, काफ़ी सब सही है, स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है। बट कैसा होगा अगर मैं आपको बोलूँ कि आज तक मुझे वो टिकट नहीं मिला है, आज तक मुझे हैप्पी लाइफ का टिकट नहीं मिला है। एक्चुअली 5 सालों में मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जो ऋतिक पहले था वो आज भी है, जो हसल में पहले करता था फर्स्ट ईयर में वो आज 5 साल बाद भी करता हूँ, बस गोल्स चेंज हो गए हैं, इतना ही फ़र्क है। और मैंने रियलाइज़ किया है कि हैप्पीनेस एक चॉइस है, वो आपको मिलती नहीं है,
वो आपको अपनानी पड़ती है। हो सकता है आप 1 LP में भी खुश हो सकता है आप 1 करोड़ में भी खुश नहीं हो। तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि पैसा इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस और हैप्पीनेस इज अ चॉइस। जितनी जल्दी आप इसको सीखोगे उतनी जल्दी आप ग्रो कर पाओगे। आज के लिए इतना ही, सेमी कॉलन।